नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों को अब और इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार किस कारण से करना पड़ेगा, सरकार ने ये क्यों कहा कि अभी ज्यादा समय लग जाएगा, हम आपको इस खबर में विस्तार से बताने जा रहे हैं। 2 साल से तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों को अभी और इंतजार करना होगा। प्रारंभिक और हाई स्कूल में 6ठे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही शिक्षकों के तबादले के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने 2021 जून में शिक्षकों का तबादले का लक्ष्य रखा था। शिक्षकों के तबादले संबंधित नीति शिक्षा विभाग ने 2020 में ही बना ली थी। शिक्षकों के तबादले के लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है। सॉफ्टवेयर का फाइनल ट्रायल होना बस बाकी है। पारदर्शी तरीके से तबादले के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। सभी DEO जिलावार, नियोजन इकाईवार, विषयवार, कोटिवार रिक्त पदों की सूचना वेब पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जिस कोटि के शिक्षक हैं उसी कोटि के लिए तबादले के लिए आवेदन वे कर सकेंगे। निगरानी जांच में फंसे वैसे शिक्षक भी तबादले के लिए आवेदन नहीं दे सकेंगे जिनके सर्टिफिकेट की जांच नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बहाली के लिए 3रे चरण की काउंसलिंग आज से शुरू हो गई है। 3रे चरण में 28 जनवरी तक 1368 नियोजन इकाइयों में 12,495 पदों के लिए काउंसलिंग होनी है। प्रारंभिक स्कूलों के चयनित सभी अभ्यर्थियों को प्रखंड और जिला स्तर पर नियोजन इकाइयों के माध्यम से 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम है। काउंसलिंग के लिए निर्धारित केंद्र पर बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी, और जो काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया है वो काफी टाइट होने वाली है। और काउंसलिंग की वजह से ही अभी तबादले को फिलहाल रोक दिया गया है। आपको पता होगा कि 2020 में ही शिक्षा नीति बना ली गई थी और तबादले को लेकर सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि केवल फाइनल ट्रायल होना बाकी है, उसके बाद उस सॉफ्टवेयर पर सभी DEOs जो हैं वो जिलावार, नियोजन इकाईवार, विषयवार, कोटिवार सूचना वेब पोर्टल पर अपलोड कर देंगे, और उसके आधार पर ही शिक्षकों का तबादला होगा। यानी कि जिस कोटे के शिक्षक होंगे उसी कोटे के लिए उनका तबादला होने जा रहा है, और ख़ास करके वैसे शिक्षक जो निगरानी की जाँच में फंसे हुए हैं उनका तबादला नहीं हो पाएगा। इस पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि शिक्षा विभाग की अभी शिक्षकों की बहाली जल्द से जल्द पूरा कर नियुक्ति पत्र देना प्राथमिकता है। नियोजन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही शिक्षकों का तबादला होगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से तबादले की जो प्रक्रिया है वो पूरी कराई जाएगी। तो बिहार में शिक्षकों को तबादले के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। जब तक नियोजन की पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है नए शिक्षकों को, तब तक पुराने शिक्षकों का तबादला नहीं किया जाएगा। क्योंकि शिक्षा विभाग ने कह दिया है कि पहले नियुक्ति उनकी प्राथमिकता है, उसके बाद सॉफ्टवेयर जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी, तब जाकर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।